फ्री फायर में हेडशॉट मारने के लिए अलग अलग तरीके से ड्रैग करते हैं, लेकिन क्या आपका हर एक शॉट हेडशॉट पड़ता है? नहीं ना, क्योंकि आप लोग को ड्रैग की टेक्निक्स नहीं पता। अगर आपको पता होती तो आपका हर एक गोली हेडशॉट पड़ता या फिर आपका हर एक गोली रेड नंबर पड़ता। हो सकता है आपको ड्रैग की टेक्निक पता हो, लेकिन क्या आपको हेडशॉट की बेस्ट सेंसिटिविटी के बारे में पता है, जिसमें कि आपके 10 में से 10 हेडशॉट पड़ेंगे, क्योंकि हर एक बड़ा प्लेयर इस सेंसर को यूज करके बहुत ही तगड़े हेडशॉट मारता है। आज मैं आपको 3 ऐसी ड्रैग की टेक्निक बताऊंगा जिससे कि अगर आपके हेडशॉट नहीं पड़ते या फिर आपके वन टैप नहीं पड़ते, आपके ओनली रेड नंबर वन टैप पड़े। साथ ही साथ बेस्ट सेंसिटिविटी भी बताने वाला हो तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो अपने आंखों की पेटी बांध लो एंड इस वीडियो को ध्यान से देखना। ट्रिक नंबर 1, रोटेशन ड्रैग। जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, यहां पर मैं रोटेशन ड्रैग कर रहा हूं, मेरे अच्छे खासे हेडशॉट पड़ रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत आ रहा है कि मेरे ओनली रेड नंबर नहीं पड़ रहे हैं। अगर यहां पर मैं वन टैप का ट्राई करता हूं तो मेरे वन टैप एक दो हेड पड़ रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, मेरे बॉडी शॉट भी पड़ रहे हैं। तो गाइस अभी हम ये करेंगे कि अपना जो सेंसिटिविटी है उसको गाइस 100 से मतलब 0 पर सेट करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई 0 सेंसिटिविटी पर तो क्या होगा कि हमारे हेड ही नहीं पड़ेगा, हमारा ड्रैग होगा ही नहीं। तो अभी मैंने जस्ट 0 सेंसी किया है ना, आप लोग देख सकते हो कि मेरे ओनली रेड नंबर पड़ रहे हैं, मतलब 100 पर जो नहीं पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ओनली मेरे रेड नंबर पड़ रहे हैं यूएमपी से एंड वन टैप, तो भाई बहुत ही तगड़े पड़ रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 0 सेंसी पर हमारे आखिर हेड कैसे पड़ रहे हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो गाइस मैंने कल ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सेंसिटिविटी को पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे सेंसिटिविटी काम करता है, कैसे रेड डॉट काम करता है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपके हेडशॉट नहीं पड़ रहे 100 सेंसी पर। अभी पॉइंट पर वापस आते हैं गाइस। देखो मैं रोटेशन ड्रैग जब कर रहा हूं तो गाइस मेरे 0 सेंसिटिविटी पर काफी अच्छे हेडशॉट पड़ रहे हैं, काफी अच्छे रेड नंबर पड़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, सो गाइस आपको भी ऐसे कैसे एक्सपेरिमेंट करना है जब आप लोग रोटेशन ड्रैग कर रहे हो। सबसे पहले आपको अपनी सेंसिटिविटी को 100 रखकर खेलना है, उसके बाद गाइस आपको 0 रखकर खेलना है। अगर आपके पास लो डिवाइस है तो गाइस मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अपनी सेंसी को 0 रखो, लेकिन 100 नहीं रखना है, उसका थोड़ा सा कम करना है। एंड रोटेशन ड्रैग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके एनिमी शॉर्ट रेंज में या फिर मिड रेंज में होता है तो गाइस आपको अपने फायरबीन को नीचे खींचकर ऊपर खींचना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, नीचे खींचकर राइट से ऊपर खींचना है, आप बहुत ही अच्छे रेड नंबर या फिर बहुत ही अच्छे वन टैप मार पाओगे। जैसा कि आप लाइव मेरे सामने देख पा रहे हो मैं कैसे डेजर्ट ईगल से ओनली रेड नंबर मार रहा हूं। यहां पर गाइस आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि रोटेशन ड्रैग का मतलब यही नहीं होता है कि आपको अपने फायरबीन को नीचे खींचकर राइट से ऊपर खींचना है। आप लोग अपने फायरबीन को नीचे खींचकर डायरेक्ट ऊपर खींच सकते हो, मतलब अपने फायरबीन को नीचे खींचो ऊपर खींचो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उस टाइप से कर सकते हो। अभी मैं गाइस देखो मैंने 100 सेंसिटिविटी वापस किया तो मेरे देखो गाइस हेड नहीं पड़ रहे, मतलब बॉडी पड़ रहे, उतने अच्छे हेड नहीं पड़ रहे जितने मेरे 0 पर पड़ रहे थे। तो गाइस आप एक बार सेंसी को ट्राई करके देखना, अपने हिसाब से जो बेस्ट होगा वो आप रख लेना। एंड मेन चीज ये है कि रोटेशन ड्रैग कैसे करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे फायरबीन को नीचे खींचकर मैं ऊपर खींच रहा हूँ, बस सीधा नीचे खींचकर ऊपर खींच रहा हूँ, एंड वो बहुत ही जल्दी करना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना। अगर आप टाइम लोगे तो आपके बॉडी शॉट ही पड़ेंगे। गाइस अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में एनिमी आपके लेफ्ट साइड में, तो गाइस आपको ड्रैग कैसे करना, अपने फायरबीन को नीचे खींचकर लेफ्ट से ऊपर खींचना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस टाइप से, आपका बहुत तगड़ा वन टैप पड़ेगा। एंड ये ट्रिक गाइस कब काम करेगा, जब आपके एनिमी लेफ्ट साइड में हो या फिर शॉर्ट रेंज में होगा। ट्रिक नंबर 2, जब गाइस एनिमी आपके मिड रेंज में होता है या फिर थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इतनी रेंज हो या फिर इससे ज्यादा रेंज हो, ठीक है, इससे कम नहीं इससे ज्यादा रेंज हो, आपके हाथ में कोई सा भी गन हो, प्ले आपके हाथ में यूएमपी हो, डेजर्ट ईगल हो या फिर कोई सा भी गन हो, तो गाइस आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे फायरबीन को ध्यान से देखो, सीधा ड्रैग करना है, लेकिन आपका एम व्हाइट होना चाहिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो आपका एम या तो व्हाइट होना चाहिए या फिर एनिमी की बॉडी पर नहीं होना चाहिए, एनिमी के लेफ्ट राइट हो सकता है। सीधा ड्रैग करने के साथ साथ आपको हल्का सा ड्रैग करना है, कभी भी आपको फोर्स के साथ ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि फोर्स के साथ ड्रैग तब करना होता है जब एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है, उसको गाइस हमको रेड नंबर मारना होता है। सो गाइस बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके हेडशॉट या फिर रेड नंबर नहीं पड़ते, वो बोलते हैं गाइस मेरे डेजर्ट ईगल से भाई हेडशॉट नहीं पड़ते, भाई प्लीज वीडियो बना दो, मेरे हेड नहीं पड़ते, ये नहीं पड़ते, वो नहीं पड़ते। गाइस वो बंदे यही गलती करते हैं कि मिड रेंज में हो या फिर लॉन्ग रेंज में, वो गाइस रोटेशन ड्रैग करते हैं, जो कि आप लोग को नहीं करना है। रोटेशन ड्रैग सिर्फ शॉर्ट रेंज में करना है, तभी आपको हेडशॉट मारने में अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग रेंज में हो तो गाइस रोटेशन ड्रैग पे हेडशॉट नहीं पड़ेंगे, आपको वहां पर हल्का सा ड्रैग करना रहता है, जिसकी वजह से आपका इजीली हेडशॉट पड़ जाएगा। तो गाइस अभी मैं आप लोग को ज्यादा बोर नहीं करूंगा, जो भी गाइस चीजें बताई है उनको एक बार प्रैक्टिस करना है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला उसमें गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आने वाली 3 और ड्रैग की टेक्निक है उसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले आप लोग इन 2 पर काम करो। अगर आपका अच्छा हेडशॉट पड़ता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना है, कमेंट में बताओ कि मेरी ट्रिक्स ये काम कर रही है। एंड थैंक यू संजय भाई, ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइस, बाय।